अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मलिक राशिद फ्रॉम हाई राइज़ेस इस्लामाबाद। आज की वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड या मार्केटिंग वीडियो नहीं है, इट्स प्योरली अवेयरनेस वीडियो। मैं आपको रियल, अथेंटिक और फेयर रिव्यू देने जा रहा हूँ न्यू ब्लू एरिया एंड टॉवर 12 का। वीडियो के एंड में आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको न्यू ब्लू एरिया कैसा लगा और टॉवर 12 कैसा लगा। करंटली मैं मौजूद हूँ कारपेट रोड पे, जो कि न्यू ब्लू एरिया का कारपेट रोड है। न्यू ब्लू एरिया बेसिकली F9 पार्क के सामने CDA का 170 कैनाल का एक एरिया है, जो आपके कमर्शियल हाई राइजेस का हब बनने जा रहा है। अब न्यू ब्लू एरिया बनाने की रीज़न क्यों, क्या रीज़न है न्यू ब्लू एरिया को बनाने की, आपका जो ओल्ड ब्लू एरिया वहाँ पे बहुत से इश्यूज़ हैं, तंग कार पार्किंग बहुत बड़ा इशू है, इसके अलावा बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी हैं। सो दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू बिकम द न्यू कमर्शियल हाई राइजेस हब। ये टॉवर 12 है, जो कि न्यू ब्लू एरिया का प्लॉट नंबर 12 है। यू कैन सी द एलिवेशन। यहाँ पे मैं तारीफ नहीं करूँगा, बट आपको एक चीज़ ज़रूर समझाऊँगा कि आपको डब्बे की शेप के टावर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बट दिस इज़ वेरी यूनिक कि इसमें जो शॉप्स का एरिया वो अपना मैक्सिमम कवर कर रहा है, बट जैसे ही ऑफिसेज पे गया वो श्रिंक हो गया। सो दिस इज़ यूनिक डिज़ाइन। ये ना सिर्फ आपको इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा। सो वी आर एट ग्राउंड फ्लोर ऑफ टावर 12। यू कैन सी ऑल द शॉप्स आर F9 एंड मार्गला फेसिंग। यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कि कितना अच्छा काम हो रहा है। आप साइट विजिट कर सकते हैं, एड्रेस बहुत ही सिंपल है, F9 पार्क के मेहरान गेट के बिल्कुल अपोजिट मेन जिन एवेन्यू के ऊपर। बहुत क्रेडिबल बिल्डर है, जो CDA में 25 साल की टाइमली डिलीवरी की लेगेसी के साथ काम कर रहा है। सो नाउ आई एम एट 6th फ्लोर ऑफ टावर 12। यू कैन एन्जॉय द व्यू, 360 व्यू ऑफ इस्लामाबाद। सो G9 का व्यू, उसके साथ CDA डेजिग्नेटेड 10 कनाल की पार्किंग, देन कारपेट रोड, फिर मेन जिन एवेन्यू। सो दिस इज़ द व्यू, अनब्लॉकेबल व्यू ऑफ F9 एंड मार्गला फॉर होल लाइफ, क्योंकि आपकी F9 में कोई बिल्डिंग नहीं आ सकती, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। सो दिस इज़ द रीज़न टावर 12 इज़ गोइंग टू गिव यू अनब्लॉकेबल व्यू ऑफ F9 एंड मार्गला फॉर होल लाइफ। सो दिस इज़ 6th फ्लोर। आप देख सकते हैं पूरे फ्लोर पे सिर्फ 3 ऑफिसेज हैं, बिकॉज ऑल द ऑफिसेज आर लग्जरी एंड कारपोरेट। बड़े ऑफिस बनाए जा रहे हैं, एवरेज साइज 1000 स्क्वायर फीट है। सो अगर आपका बिजनेस बड़ा है, बिकॉज ये एवरेज प्रोडक्ट नहीं है, टावर 12 बहुत कॉस्टली इसे कह सकते हैं, अगर आप 8-9 करोड़ का बजट है देन आप इस पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। सो दिस इज़ द व्यू, F9 एंड मार्गला का अनब्लॉकेबल व्यू है, आपको 360 व्यू मिल रहा है। ये जो ऑफिस है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, दिस इज़ वेरी यूनिक। अगर मेरी कोई रिकमेंडेशन पूछता है, आई विल रिकमेंड 603। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि मलिक राशिद साहब हमें ये 603 ऑफिस क्यों पिच कर रहे हैं, उसकी क्यों हमें रिकमेंड कर रहे हैं। सो इसका जवाब आप खुद फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको इतना बताऊँ कि आपको G9 का व्यू देता है, F10 मरकज का व्यू देता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप देखें कितना तेज़ी से न्यू ब्लू एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, कमर्शियल हाई राइजेस बन रही हैं, आपका पार्किंग का इशू नहीं है। यू आर हैविंग अ कारपेट रोड जिसपे बहुत साइड कार पार्किंग है, मेन जिन एवेन्यू जिसपे डेली की 2.5 लाख गाड़ी गुजरती है, अनब्लॉकेबल व्यू ऑफ F9 एंड मार्गला। तो मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा फीचर सुनने के बाद कोई भी इंसान जो प्रॉपर्टी में समझ बूझ रखता है वो इस एरिया में इन्वेस्ट ना करे। हाँ, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आपके पास 8-9 करोड़ है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप न्यू ब्लू एरिया में इन्वेस्ट करें और फ्यूचर आपका हो जाए। वो कैसे, क्योंकि आपका फ्यूचर का जो कमर्शियल हब, जो आपका बिजनेस हब है, डेट इज़ न्यू ब्लू एरिया। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, यानी अभी यहाँ पे प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं। सो आई विल अगेन से दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन न्यू ब्लू एरिया। अभी मैं उस ऑफिस पे मौजूद हूँ जो मैंने आपको रिकमेंड किया, 603, जो आपको सेंटोरस का व्यू दे रहा है, आपको फैसल बॉस का व्यू दे रहा है, आपको F9 एंड मार्गला का अनब्लॉकेबल व्यू दे रहा है, आपको F10 मरकज का व्यू दे रहा है, आपको G9 मरकज का व्यू दे रहा है। सो दिस इज़ गिविंग यू 360 व्यू। इमेजिन करें, आपकी टीम यहाँ पे बैठी है, आपका क्लाइंट आ रहा है, कितना पॉजिटिव इमेज जाएगा, कितना कॉर्पोरेट लगेगा, कितना लग्जरी लगेगा। सो आप इस एरिया पे वर्किंग करें, आप इसे विजिट कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विजिट के लिए, वी विल असिस्ट यू। थैंक यू सो मच।